अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन और VSSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों 24/7 टीचर्स ऑनलाइन मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम मैंने 24/7 टीचर्स ऑनलाइन रखा है। दोस्तों इस चैनल के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और इस पे मेरे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका CS101 भी है, इसमें आपका CS201 है, MGT101 है, इसमें आपका MGT201 है और इसमें आपका HTML के भी हैं। अगर आपको HTML सीखने में कोई मसला आ रहा है तो आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए और वहाँ से जो है आप HTML भी सीख सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, उसमें प्रोग्रामिंग है, C++ है और वेब डेवलपमेंट है और बहुत सारे ट्यूटोरियल वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे जो मेरी वीडियोज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाएं और सीखें। दोस्तों 24/7 टीचर्स ऑनलाइन का जो URL है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिलेगा। मैं भी बता देता हूँ, www.youtube.com/teachersonlineforyou। आप इस चैनल पर जाइए और यहाँ से वीडियोज डाउनलोड कीजिए और सीखिए। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के ऊपर है, CS101 की जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग अपनी असाइनमेंट का सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं कि हमारी इस असाइनमेंट की जो है रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों इस असाइनमेंट में हमने करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन वेब पेज। हमने जो है अपना एक वेब पेज बनाना है जिसमें हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, विच विल डिस्प्ले यूर एकेडमिक डिटेल इन स्पेसिफिक फॉर्मेट इन द गिवन सैंपल आउटपुट। इसका जो फॉर्मेट है वो हमें आउटपुट के अंदर भी दिखाया हुआ है और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हमने फॉलो करना है और इनको फॉलो करने के बाद जो है हमने वो वेब पेज डेवलप करना है। गाइडलाइंस क्या हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ हेडिंग H1 अलाइंड सेंटर विद टेक्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो अप्लाई अ हाइपर लिंक टू द हेडिंग विच इज रीडायरेक्ट टू www.vu.edu.tk। कि आपने एक हेडिंग डालनी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की और उसको आपने लिंक एक बनाना है जो रीडायरेक्ट करेगा वीयू की मेन वेबसाइट के ऊपर। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज 2 HR टैग्स एंड अ हेडिंग टैग विद टेक्स्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर्म। आपने फिर जो है 2 HR के टैग यूज करने हैं और उसके दरमियान में लिखना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर्म और इसमें जो है आपने जो है 2 HR टैग यूज करके ये करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ टेबल, फिर हमने एक टेबल बनाना है अलाइन सेंटर, जो सेंटर अलाइन होगा विद विजिबल बॉर्डर, आपने उसका बॉर्डर रखना है 3px, 3px और सेल पैडिंग जो है वो आपने 10 रखनी है। इसके बाद आपने द फर्स्ट रो ऑफ टेबल कंटेन हेडिंग H2 विद इटैलिक टेक्स्ट एकेडमिक डिटेल विद एंड देयर शुड बी सम बैकग्राउंड कलर फॉर इट्स हेडिंग सेल, और इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। द सेकेंड रो ऑफ द टेबल कंटेन 3 columns, फर्स्ट सेल कॉलम शुड बी बोल्ड टेक्स्ट डिग्री टाइटल, सेकेंड सेल कॉलम शुड बी कंटेन बोल्ड टेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स, और थर्ड सेल कंटेन टोटल मार्क्स, ये भी आपका जो है बोल्ड होना चाहिए और जैसे आपको आउटपुट में भी दिखाया गया। इसके साथ ही हमें कुछ और गाइडलाइंस हैं, इसकी थर्ड रो के अंदर आपने फर्स्ट कॉलम के अंदर कंटेन बोल्ड टेक्स्ट मैट्रिक है, फिर सेकेंड कॉलम के अंदर ऑप्टेन मार्क लिखने हैं मैट्रिक के बोल्ड के अंदर, और फिर शुड बी कंटेन यूर टोटल मार्क्स, और फिर आपने टोटल मार्क्स दिखाने हैं। फोर्थ भी रो आपकी इसी तरह है, फिफ्थ रो के अंदर 2 cells हैं आपके, फर्स्ट सेल के अंदर आपने करंट डिग्री लिखनी है टाइटल इन बोल्ड टेक्स्ट, सेकंड कॉलम के अंदर आपने जो है बुलेट फॉर्म के अंदर करंट सेमेस्टर कोर्स शोन लिखने हैं, आपने अपने कोर्सेज लिखने हैं। उसके बाद सिक्स रो के अंदर आपने टेबल कंटेन पैराग्राफ, फॉरन डिप्लोमा डिग्री होल्डर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इट इक्वलेंस फ्रॉम दी
concerning authority HEFIBCC in red color as shown in the sample output. The table should be aligned center. All for text of all field table should be aligned center or sari jitni bhi field hain wo bhi aapke center mein honi chahiye. There should be some background color or if web page ka aapka koi na koi background color hona chahiye other than white color. Aapka wo white nahi hona chahiye. Of your own choice aap jo color hai wo apni marzi se koi sa bhi रख सकते हो. इसके बाद फर्दर हमें कुछ और रिक्वायरमेंट है. द फर्स्ट रो ऑफ टेबल कंटेनिंग हेडिंग एकेडमिक डिटेल शुड बी मर्ज इनटू अ सिंगल कॉलम. वो आपके सिंगल कॉलम के अंदर है एज शोन इन द सैंपल आउटपुट. उसके बाद द लास्ट रो कंटेनिंग पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी मर्ज इनटू द सिंगल कॉलम. आपका फर्स्ट जो रो है और फिर आपके जो लास्ट रो है वो मर्ज की हुई है. द सेकेंड सेल ऑफ द फिफ्थ रो ऑफ द टेबल कंटेनिंग कोर्स लिस्ट शुड बी मर्ज इन सेकेंड एंड थर्ड कॉलम. और जो आपकी फिफ्थ रो है वो भी मर्ज है दो कॉलम्स की. मतलब आपका जो सेकेंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है उसको मर्ज करके वो बनाया गया. ये अभी हम मैं आपको सैंपल जो दिखाऊंगा उसके अंदर भी हमें नजर आएगा. द टाइटल ऑफ वेब पेज शुड बी यूअर वी यू आई डी. और इसका जो टाइटल है वेब पेज का वो आपका वी यू का आईडी होना चाहिए. दोस्तों ये है हमारी रिक्वायरमेंट. मैं यहाँ पे देखें वो जो टीचर ने हमें आउटपुट वाली एक विंडो दिखाई हुई है वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दी है. और इस तरीके से हम आउटपुट वाली विंडो को देखते चले जाएंगे और अपना वेब पेज बनाते चले जाएंगे. दोस्तों ये थी हमारी रिक्वायरमेंट. अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन जो है मैं आज आप लोगों को जो है कोड यहां पे नहीं दिखाऊंगा बल्कि लाइव जो है आपको टाइप करके और समझा के बिल्कुल समझाऊंगा. तो हम चलते हैं जी. इसके लिए आपने नोट पैड का प्रोग्राम ओपन करना है. आप लोग स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे. स्टार्ट के बटन पे जब क्लिक करोगे तो यहां पे आपने सर्च करना है नोट पैड को. नोट पैड आपको जब मिल जाएगा तो आपने उस पर जाके क्लिक करना है तो आपके सामने जो है नोट पैड ओपन हो जाएगा. इसका फॉन्ट जो है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ. फॉर्मेट वाली टैब पे जाके फॉन्ट पे क्लिक किया ताकि आपको सारा जो फॉन्ट है वो बिल्कुल ठीक से नजर आए जो मैं टाइप करूंगा. तो ये हमने इसका साइज जो है वो बड़ा कर लिया. साथ ही जो है मैं असाइनमेंट वाली फाइल भी जो है वो ओपन कर लेता हूं ताकि हम एक एक जो इसकी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते जाएंगे और असाइनमेंट बनाते चले जाएंगे. यहां पे देखें अब हमने क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट H1 हेडिंग. हमने पहली हेडिंग बनानी है और इसको अलाइन करना है सेंटर के अंदर और विद टेक्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान. और आपने इसके साथ हाइपरलिंक क्रिएट करना है हेडिंग के ऊपर विच रीडायरेक्ट टू www.vu.edu.tk के ऊपर. वो आपका वेब पेज जो है वो रीडायरेक्ट होना चाहिए. तो इससे जो है हम लोग जो है अभी अपना ये कोड करते हैं. हम इससे पहले मैंने ये एक नेट कनेक्ट कर लिया अपने पीसी के ऊपर ताकि वो रीडायरेक्ट करके मैं आपको दिखा सकूं. हम सबसे पहले इसके जो बेसिक टैग हैं HTML के वो लिख लेते हैं. HTML अब HTML का जो है इसको हम साथ आप जो भी टैग लगाएं इसका आपने क्लोजिंग टैग जरूर लगाना है. हमने HTML एंड पे लिखा इसके साथ फ्लैश लगा के क्लोजिंग टैग लिख दिया और इसके दरमियान में जो है हम सारा अपना कोड करेंगे. इसके बाद हम हेड का पोर्शन शुरू करते हैं कि हमारे वेब पेज का हेड कौन सा होगा. इसके बाद हम हेड को भी जो है साथ ही क्लोज कर लेते हैं. ये क्लोज इसलिए कर लेते हैं ताकि हम भूले नहीं. ये हेड का टैग हमने शुरू कर लिया है और इस हेड के अंदर हमने लिखना है टाइटल. अब टाइटल जो है वो हम लिखने के लिए टाइटल का टैग शुरू करते हैं TITLE टाइटल. और टाइटल के जो टैग है उसको हम साथ ही क्लोज कर देते हैं. टाइटल के टैग को क्लोज करने के लिए हमने टाइटल लिखा और इसके साथ बैक फ्लैश लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया. और उसने हमें जो इंस्ट्रक्शन दी है उसमें उसने बताया था कि टाइटल जो है आपके वेब पेज का वो आपका वीयू का आईडी होना चाहिए. तो यहां पे जो है मैं डाल देता हूं MF और इसके साथ मैंने जो है X डाल दिए हैं. यहां पे आपने अपना टाइटल जो है वो खुद से ऐड कर लेना आपका जो भी वीयू का आईडी होगा. उसके बाद हम जो है बॉडी का एक टैग शुरू कर लेते हैं.
बॉडी का टैग शुरू किया। इस बॉडी वाले टैग के अंदर हमने सारा जो है बॉडी वाला पोर्शन लिखना है, और बॉडी के टैग को मैं एंड पे जाके क्लोज कर देता हूँ बैक स्लैश लगा के। यहाँ पे ये मैंने बैक स्लैश लगा के बॉडी के टैग को क्लोज कर दिया। दोस्तों अब आपने इस फाइल को करना है सेव। सेव कैसे करना है, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम जो है वो मैं लिख देता हूँ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 1। और ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद HTM या HTML ये आपने जरूर लिखना है, ताकि जो आपने कोड किया है उसकी एक आउटपुट वाली फाइल, ब्राउजर वाली फाइल जनरेट हो सके, जो हमें आउटपुट दिखाएगी। यहां पे मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो है हम चल के देखते हैं इस आउटपुट वाली फाइल को। इस आउटपुट वाली फाइल देखें, ये यहाँ पे बन गई है, और इसको मैंने ओपन किया, और यहाँ पे देखें टाइटल के अंदर MFXXX जो है वो जो हमने डाला था वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हम साथ के साथ इसको कोड करते जाएंगे, और कोड के साथ साथ मैं आपको लाइव दिखाता भी जाऊंगा। हमने सबसे पहले H1 का टैग यूज करके इसका अंदर लिखना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को वहां पे जाके हम पेस्ट कर लेंगे। हम सबसे पहले यूज करेंगे जी H1 लिखा, और इसको साथ ही जो है मैं H1 को क्लोज कर लेता हूं ताकि हमें भूले नहीं। तो इसके अंदर हमने लिखना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हमने लिखा, और लिखने के बाद H1 को क्लोज किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब रिफ्रेश जब करेंगे तो यहां पे देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। अब ये तो हो गया यहां तक। आपने क्या करना है, इसको अलाइन करना है सेंटर। तो हम इसी के अंदर जो है एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे H1 के साथ। इसके साथ हम लिखते हैं एट्रीब्यूट ALIGN अलाइन, और इसके साथ हम जो है इक्वल्स लगाया, और इसको जो है सेंटर कर दिया CENTER सेंटर। इसको हमने जो है सेव किया। सेव करने के बाद हम वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा देखें वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंटर में लिखा गया। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आगे देखें, इसने कहा एंड ऑल्सो अप्लाई अ हाइपरलिंक ऑन द हेडिंग विच रीडायरेक्ट टू www.vu.edu.pk। अब हमने एक हाइपरलिंक बनाना है। हाइपरलिंक बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम जो है hdiff का टैग यूज करते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे शुरू के अंदर H1 से पहले जो है यहाँ पे H1 के बाद भी बल्कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखें A और hdiff लिखने के बाद इक्वल्स लगाएं, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने वो URL टाइप करना है जो हमें दिया गया है www.vu.edu.pk। वो हमने टाइप किया। ये टाइप करने के बाद A को जो है हमने यहाँ पे इसका एंगल ब्रैकेट ऑफ कर दी, और जहां पे आपका पाकिस्तान लिखा हुआ है उससे पहले जाके A को भी जो है हम क्लोज कर देते हैं एक बैक फ्लैश लगा के, और एंगल ब्रैकेट को बंद किया। इसको सेव किया, तो इससे जो है हमारा वो जो है लिंक जो है हमारा इसका बन जाएगा। हमने इसको रिफ्रेश किया। जब मैंने देखें रिफ्रेश करने से पहले जब हम इसके ऊपर माउस को लेकर जाते हैं तो कोई लिंक नजर नहीं आता। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ गई है, और जब हम माउस को लेकर जाते हैं तो यहाँ पे एक हैंड बनता है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें जो है वो VU की मेन वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पे URL इसका आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम शुरू में इसके http://// और ये लगाने के बाद वो URL लिखा और इसको सेव किया। इसको दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दोबारा हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब देखें ये हमें VU वाली मेन वेबसाइट पे लेकर चला गया। इसका मतलब हमारा लिंक जो है वो बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो हम जो है वापस आ जाते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। देखें इससे हमारी ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाती है। आगे हमने क्या करना है, आगे है you are required to use 2 HR tags and heading with the text academic qualification form। हमने जो है यहाँ पे एक academic qualification form वाली heading डालनी है between 2 HR हमने use करने हैं। यहाँ पे जो है हम लोग use करते हैं, पहले मैं इसकी output देख लेता हूँ कि वो table के अंदर है या बाहर है। बाहर है तो हम यहाँ पे 2 HR यूज करेंगे। वो 2 HR पहले मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद HR से होता क्या है, HR से जो है आपके वेब पेज के अंदर एक लाइन बन जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन।
और दूसरा भी हम एचआर यूज कर लेते हैं। आप देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एचआर तो यूज कर लिया लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। तो दोस्तों, हमारी एचटीएमएल के अंदर जो है कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, और उसमें हमारे पास बीआर का टैग आता है और एचआर का टैग आता है। अब एचआर का जो टैग है वो उसका क्लोजिंग टैग कोई नहीं है। अब इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, हमने एक हेडिंग लगानी है। इस हेडिंग का हमें बताया नहीं गया कि आपने H1 लगाना है या H2 लगाना है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको सिंपल ही लिख देता हूँ क्योंकि हमें हेडिंग के हवाले से कुछ इसके अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये हमने एक टेक्स्ट के तौर पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद जो है हम आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखें यहाँ पे एक लाइन बन गई है, वो एचआर पहली यूज करने से, और दूसरी भी लाइन बन गई है। अब हमने इनको करना है सेंटर, तो वो सेंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू के अंदर इसके सी एन टी आर सेंटर का टैग यूज किया और इसके एंड पे भी जो है हम लोग सेंटर का टैग क्लोजिंग टैग यूज कर लेते हैं। और इसको जब हमने दोबारा रिफ्रेश किया तो हमारा जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेंटर के अंदर लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। आगे जो है फर्दर इसके अंदर हमें वो नहीं बताया गया था कि आपने H1 यूज करना है या H2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी जो है हेडिंग का टैग यूज नहीं किया। अब थर्ड रिक्वायरमेंट देखें, यहाँ पे दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ टेबल। हमने एक टेबल क्रिएट करना है, अलाइन सेंटर विद विजिबल बॉर्डर, आपने इसका बॉर्डर रखना है 3 और एंड सेल पैडिंग जो है वो आपने रखनी है इसकी 10। हम यहाँ पे जाते हैं और एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल, टेबल का टैग हमने शुरू किया और टेबल के टैग को जो है वो मैं साथ ही बंद कर देता हूँ बैक स्लैश लगा के। इसके साथ स्लैश लगाई तो हमारा जो टेबल का टैग है वो क्लोज हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इसको अलाइन करना है सेंटर। यहाँ पे मैं लिखता हूं जी टेबल के अंदर एट्रीब्यूट डाला ए एल आई जी एन अलाइन इक्वल्स इनवर्टेड कॉमास के अंदर आपने डालना है सेंटर, ताकि वो सेंटर के अंदर आपका टेबल जो है वो आ जाए। इसके बाद आपने डालना है बॉर्डर बी ओ आर डी ई आर बॉर्डर, और इसको इक्वल इनवर्टेड कॉमास के अंदर 3 डालना है जो हमें 3 पी एक्स का उसने बॉर्डर का है। उसके बाद हमने लिखना है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग लिखने के बाद हमने इक्वल्स और यहाँ पे जो 5 है वो हमने टेल डालना है, जो हमारी टेबल के जो सेल्स होंगे उनके जो सेल पैडिंग होगी वो 10 होगी। हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये छोटा सा डॉट बन गया। इसका मतलब टेबल ड्रा हो गया। जब हम इसके अंदर और रोज बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे या सेल्स बनाएंगे तो वो फिर हमें क्लियर नजर आएंगे। तो आगे चलते हैं, यहां तक ये हमारा तीसरा टास्क है वो परफॉर्म हो जाता है। आगे है द फर्स्ट रो ऑफ टेबल शुड कंटेन हेडिंग 2 विद इटैलिक टेक्स्ट एकेडमिक डिटेल। आपने एकेडमिक डिटेल जो है वो डालनी है फर्स्ट रो के अंदर, एंड 3 शुड बी सम बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस सेल हेडिंग। अब यहां पे देखें हमने एक रो बनानी है फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो बनाने के लिए यहां पे मैं टी आर लिखता हूं। टी आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेबल रो को, और टी आर के टैग को मैं साथ ही क्लोज कर देता हूं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर बनाना है हमने एक सेल। अब सेल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग करते हैं टी डी टेबल डेफिनेशन। अब इसके अंदर वो हमने हेडिंग डालनी है, वो मैंने कॉपी कर ली थी एकेडमिक डिटेल वाली, और इसके साथ हमने टी डी को भी क्लोज कर देना है बैक स्लैश लगा के, और ये हेडिंग जो है हमने डालनी है विद एच टू। तो यहाँ पे मैं एच टू का टैग यूज कर लेता हूं और एच टू को जो है उसी सेल के अंदर जो है क्लोज कर लेते हैं एच टू। इसको हमने बैक स्लैश लगा के जो है वो क्लोज कर दिया। अब हमने इसको सेव किया, जाके देखते हैं अपने वेब पेज के अंदर के वहां पे क्या चेंजेस आई हैं। हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें एकेडमिक डिटेल वाला एक टेब सेल बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको देना है कलर। अब कलर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ही एक टी डी के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं सी ओ एल ओ आर कलर इक्वल्स, और यहाँ पे स्काई ब्लू, स्काई ब्लू हमने कलर का नाम रखा और इसको सेव किया। यहाँ पे आके हमने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे कलर नहीं आ रहा। आई थिंक इसके अंदर कोई मसला है,
यहाँ पे कलर आ जाता है। अगर हम इस टेबल रो के अंदर यूज करके देख लेते हैं, सेव, रिफ्रेश किया, अभी भी नहीं आ रहा, तो इसके अंदर कोई मसला होगा। वैसे कलर के लिए हम ऐसे ही एट्रीब्यूट यूज करते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं क्या है। ये हमारा ये वाला काम जो है यहां तक कंप्लीट हो गया। आगे हमने जानना है द सेकेंड रो। अब सेकेंड रो थ्री कॉलम्स को कंटेन करती है। अब थ्री कॉलम्स हम सबसे पहले बना लेते हैं। हम जो है यहाँ पे एक नई टेबल रो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा टी आर टेबल रो के लिए, ये हमारी जो है सेकेंड रो बन गई और टी आर को हमने साथ क्लोज कर दिया। अब वो कहता है कि आपने इसके अंदर बनाने हैं तीन सेल। तीन सेल बनाने के लिए दोस्तों हम लोग टी डी का यूज करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं टी डी को, तो ये हमारा एक सेल बन गया, मतलब एक कॉलम बन गया। अब यहाँ पे दूसरा हमने पेस्ट कर दिया, तीसरा भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने ऊपर वाले को नीचे पेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे तीन सेल बन जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें तीन सेल बन गया। ऊपर वाला अभी एक ही है। आगे चल के इसके बारे में और भी हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो वो मैं आपको वहां पे शेयर करूंगा कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट सेल कॉलम शुड कंटेन बोल्ड टेक्स्ट डिग्री टाइटल। डिग्री टाइटल आपने बोल्ड दिखाना है, तो टी डी की बजाय हम टी एच डाल देते हैं। यहाँ पे टी एच जो है वो टेबल हेडिंग के लिए है, तो हम टी एच के साथ हमने लिखा और यहाँ पे डिग्री टाइटल डाल दिया। और सेव करने के बाद जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें डिग्री टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। आप जो है यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हो, टी डी की बजाय टी डी ही लिखा रहने दे और आगे जाके बोल्ड का टैग यूज कर लें, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैं टी एच टी टेबल हेडिंग यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने अब दूसरे सेल के अंदर क्या करना है, दूसरे सेकंड कॉलम शुड बी कंटेन बोल्ड टेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, तो यहाँ पे आके मैंने ऑब्टेन मार्क्स को पेस्ट किया और जो हमारे सामने ये ऑब्टेन मार्क्स पेस्ट हो गया। और थर्ड कॉलम के अंदर क्या करना है, टोटल मार्क्स आपने डालने हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया और हम अब चलते हैं अपने वेब पेज के ऊपर और देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। अब यहाँ पे देखें, आपका डिग्री टाइटल आ गया, ऑब्टेन मार्क्स आ गया और टोटल मार्क्स आ गया। अब ये देखें बोल्ड नहीं आया, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि हमने वहां पे टी एच का टैग यूज नहीं किया, मतलब टेबल हेडिंग नहीं डाली। तो आप टेबल हेडिंग जब डालेंगे तो वो आपका बोल्ड हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि टी डी के साथ जो है आप बी का टैग यूज करके उसको भी यूज कर सकते हैं। ऊपर जो है हमने एक और भी करना था, वो क्या था, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल बैकग्राउंड, चलें आगे चल के देखते हैं। आगे जो है हमारे पास अब थर्ड रो। थर्ड रो के अंदर भी तीन आपके सेल हैं। फर्स्ट कॉलम कंटेन बोल्ड टेक्स्ट मैट्रिक और उसके बाद सेकंड सेल कंटेन ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक और थर्ड सेल के अंदर भी, और इसी तरह फिर आपके बाकी की जो है क्वालिफिकेशन आ जाएगी। मैं ऊपर वाले ही सेल्स को कॉपी कर लेता हूं, ये टेबल रो को कॉपी किया और नीचे ला के मैंने जो है इसको पेस्ट कर दिया। अब जब पेस्ट कर दिया तो यहां पे देखें टी एच यूज किया गया, तो यहां पे मैं टी डी यूज कर लेता हूं ताकि वो हमारी टेबल डेफिनेशन जो है वो बन जाए। यहां पे टी डी मैंने यूज कर लिया और उसके साथ जो है हम लोग एंड पे टी डी और इसको सेव किया। यहाँ पे हमने लिखना है मैट्रिक, तो मैट्रिक मैंने जो है एम ए टी आर आई सी मैट्रिक और ऑब्टेन मार्क्स के साथ हमने अपने हासिल करदा नंबर लिखने हैं, जैसे मैंने 900 लिख दिए, 930। और टोटल मार्क्स के अंदर जो है वो मैंने टोटल मार्क्स लिख दिए हैं जी, टोटल मार्क्स हैं जी 1050। इसको सेव किया। जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश के अंदर देखें यहाँ आपके सामने जो है ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हमने जो है आगे देखना है कि आगे हमने क्या करना है। यहां पे हम अपना सारा जो है वो करते चले जा रहे हैं। उसके बाद आगे फोर्थ रो है, फोर्थ रो के भी आपके तीन कॉलम हैं।
उसके अंदर आपने इंटरमीडिएट लिखना है और आगे बाकी की डिटेल मैं ऊपर वाली ही रो को कॉपी कर लेता हूं और नीचे लाके मैं पेस्ट करता हूं। यहां पे मैंने इंटरमीडिएट लिखना है मैट्रिक की बजाय, इसको मैंने कॉपी करके यहां पे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद यहां पे ऑब्टेन मार्क्स डालने हैं। ऑब्टेन मार्क्स 453 मैंने डाल दिया और नीचे जो है वो 900 हम टोटल मार्क्स डाल देते हैं। ये एज अ सैंपल है, आपके जो मार्क्स होंगे आपने वो एंटर करने हैं। इसको सेव किया, वेब पेज के ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे वेब पेज के ऊपर क्या तब्दीली आई है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैट्रिक का ऐड हो गया था, अब जो है हमारे पास इंटरमीडिएट का भी ऐड हो गया। इस तरीके से हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अब बात आ जाती है फिफ्थ टेबल की। अब फिफ्थ टेबल के अंदर आपने क्या करना है, आपने दो सेल बनाने हैं। फर्स्ट सेल शुड कंटेन करंट डिग्री टाइटल, यहाँ पे करंट डिग्री टाइटल आना चाहिए, और सेकंड सेल के अंदर बुलेट फॉर्म के अंदर आपके उस सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो आने चाहिए। तो यहाँ पे हम इफ टेबल रो को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इफ टेबल रो के अंदर वैसे तो हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, तो एक कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमें सिर्फ दो सेल चाहिए। करंट डिग्री टाइटल जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी MFBA, कि मैं MFBA कर रहा हूं। उसके बाद हमने इसको जब रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए MFBA आ गया। अब वो कहता है कि अगला जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर आपके बुलेट एक लिस्ट की तरह जो है आपके करंट सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं वो आने चाहिए। मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूं, इसी TD के अंदर एक शुरू करता हूं जी LI ऑर्डर लिफ्ट, OL ऑर्डर लिफ्ट, यहां पे मैंने बल्कि UL शुरू करते हैं अनऑर्डर लिफ्ट, और इस UL को जो है मैं साथ ही क्लोज कर देता हूं बैक फ्लैश लगा के। तो ये हमने एक शुरू किया और इसके साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हम लोगों ने और टैग यूज करने हैं। यहां पे मैं इसको UL को जो है वो अलग कर लेता हूं और TD को जो है वो मैंने एंटर करके उसके बराबर कर दिया ताकि हमें जो है समझने में आसानी रहे। अब इस UL के अंदर जो है हम लोगों ने अपने जो लिफ्ट आइटम है वो डालने हैं, तो उसके लिए हम लोग टैग यूज करते हैं। वो टैग जो है LI का होता है, LI मतलब लिफ्ट आइटम, लिफ्ट आइटम, और इसको हम साथ ही क्लोज कर देते हैं ताकि जो है हम भूले नहीं फ्लैश लगा के। इसके अंदर जो है मैंने अपने सब्जेक्ट लिखने हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं जी MGT 711, के एक सब्जेक्ट जो है वो मेरा MGT 711 का है। इसके साथ मैं दूसरा जो सब्जेक्ट है वो लिख देता हूँ। वो लिखने के लिए देखें मैंने ऊपर वाली रो को कॉपी किया है नीचे, और इसका सिर्फ मैं सब्जेक्ट का नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ, FTAT 730 जो है वो मैंने इसका नाम रख दिया। अब तीसरी रो मैंने पेस्ट की और इसके यहाँ पे मैंने जो है वो सब्जेक्ट नेम चेंज किया FIN 722। उसके साथ ही जो है मैं एक और रो लेता हूं और उसमें मैं MGT जो है वो मैं ले लेता हूं 703। इसको मैंने सेव किया। अब देखें हम अपने वेब पेज के अंदर जाते हैं और देखते हैं यहां पे एक हमारे पास लिफ्ट बन गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिक्स रो आ गई जी। फिक्स रो के अंदर आपने क्या करना है, फिक्स रो के अंदर आपने द फिक्स रो टेबल शुड कंटेन पैराग्राफ टेक्स्ट फॉरन डिप्लोमा डिग्री होल्डर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इक्वल एंड सर्टिफिकेट फॉर कंसर्न अथॉरिटी IE, और ये आपने जो है पैराग्राफ की शक्ल में जो है एक लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम जाते हैं जी यहाँ पे और इस टेक्स्ट को जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को यहाँ तक अथॉरिटी तक बल्कि IBC तक कॉपी करना है, IBC तक। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट को फिल वक्त मैं इधर पेस्ट कर लेता हूं ताकि हम अगली रो ड्रा कर सकें। अगली रो बनाने के लिए इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है अगली रो के लिए यहां पे पेस्ट किया। अब इसके अंदर देख लेते हैं हमने कितने सेल रखने हैं। फिक्स रो टेबल शुड कंटेन पैराग्राफ टेक्स्ट, मतलब अभी हमें एक सेल चाहिए, तो हम यहाँ पे बाकी के सेल जो है TD डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद ये वाला जो टेक्स्ट है ये उठा के हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इसके शुरू में हमने नोट लिखना है, NOTE नोट लिखा, और इसको भी हमने एट्रीब्यूट रखना है, और इसका भी हमने कलर डालना है। उसका कलर डालने के लिए हम लोग जो है BGCOLOR कलर इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रेड हम इसका कलर लिख देते हैं। इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं हम अपने वेब पेज को, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये रेड इसके BG कलर के साथ वो लिखा हुआ हमें नजर
आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है द टेबल शुड अलाइन सेंटर, हमने टेबल को जो है सेंटर के अलाइन करना है, ऑल्सो टेक्स्ट जो है इसका वो भी हमने सेंटर में करना है। हम टेबल देखें हमने कहां से शुरू किया है, टेबल वाली हेडिंग जो है हमारी जो है यहां से शुरू हो रही है, वो ऑलरेडी अलाइन सेंटर है, लेकिन इसके शुरू में अगर आप सेंटर का टैग यूज कर देते हैं सी एन टी ई आर सेंटर, और एंड पे जाके जहां पे आपका टेबल वाला टैग जो है वो क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने सेंटर को क्लोज कर देते हैं, तो इससे भी जो है आपका जो पूरे का पूरा टेक हेडिंग्स हैं, चाहे वो आपके टेबल की वो सारी चीजें हैं टी डी हैं टी एच एम, वो सारी की सारी आपकी सेंटर हो जाएंगी। हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद जो है अभी हमें कोई आउटपुट फीडबैक नजर नहीं आ रहे। आगे चलते हैं जी, आगे जो है हमें दिया हुआ है जी यहां पे देयर शुड बी सम बैकग्राउंड कलर, हमने बैकग्राउंड कलर रखना है अपने वेब पेज का, और जो है अपनी मर्जी से कोई भी कलर चॉइस करनी है। तो हमने जहां पे जो है शुरू किया बॉडी, तो बॉडी के अंदर जो है हम कलर डाल देते हैं बी बी जी सी ओ एल ओ आर कलर इक्वल्स, और यहाँ पे मैं अपने वेब पेज का कलर रख देता हूँ जी पिंक, पिंक मैंने लिखा, और इस वेब पेज को आके मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक खूबसूरत सा वेब पेज बन गया। आगे रिक्वायरमेंट देखते हैं जी, आगे द फर्स्ट रो ऑफ टेबल कंटेनिंग हेडिंग एकेडमिक डिटेल शुड बी मर्ज इन टू द सिंगल कॉलम एज शोन इन द सैंपल आउटपुट। हमारी जो फर्स्ट रो है देखें ये वाली रो, इसको हमने मर्ज करना है सारे कॉलम्स को। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने टी डी के ऊपर जो हमारा फर्स्ट वाला यूज हो रहा है जिसके अंदर हमने एकेडमिक डिटेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे कॉल एस पी ए एन स्पेन, इससे क्या होगा हमारी मर्जिंग होगी, और इसको कॉल स्पेन हमने थ्री करना है क्योंकि नीचे हमारे तीन मतलब कॉलम है। इसको हमने रिफ्रेश किया तो अब देखें हमारा ये पूरे का पूरा जो है एक कॉलम बन गया। आगे हमने क्या करना है, आगे अगली इंस्ट्रक्शन देखते हैं, द लास्ट रो ऑफ द टेबल कंटेनिंग पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी मर्ज इनटू द सिंगल कॉलम। हमने लास्ट रो को भी जो है सिंगल कॉलम के अंदर मर्ज करना है, उसके लिए भी हम जाएंगे वहीं पे लास्ट रो के अंदर, और यहां पे हम करेंगे जी कॉल एस पी ए एन स्पैन और इक्वल्स लगा के, और यहां पे भी मैंने थ्री लिखा और इसको सेव किया। अब देखें यहां पे जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो वो हमारा मर्ज होके एक खूबसूरत टेबल की शक्ल बनती चली जा रही है। आगे जी लास्ट रो के बाद ये वाला टास्क पूरा होने के बाद द सेकेंड सेल ऑफ द फिफ्थ रो, आपका जो फिफ्थ रो है उसका जो सेकेंड सेल है कंटेनिंग कोर्स लिस्ट शुड बी मर्ज इनटू द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, वो आपका सेकेंड और थर्ड कॉलम जो है वो मर्ज होना चाहिए। तो हम चलते हैं उस सेल के ऊपर और फिर उसको मर्ज करते हैं। यहाँ पे आउटपुट वाली मैं फाइल एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे ये सेकेंड और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हम अपने कोड पे गए, कोड पे टी डी हमारा ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन और इक्वल्स डाल के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं डाल देता हूँ टू, क्योंकि हमने सिर्फ सेकेंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को मर्ज करना है, ऊपर वाला फर्स्ट वाला वही है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने जब इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे वो हमारा ये वाला सेल भी जो है वो मर्ज हो गया। आगे देखते हैं जी आगे क्या है, आगे ऑलमोस्ट सारी इंस्ट्रक्शन हमारी पूरी हो जाती हैं। द टाइटल ऑफ वेब पेज ऑफ वी यू आई डी, हमारा टाइटल होना चाहिए, हमारा जो टाइटल है वो ऑलरेडी हमने वी यू का आई डी रखा है जहां पे मैंने एम एफ और एक्स 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 लिया है। तो इस तरीके से हमारी ये जो असाइनमेंट है वो एक देखें खूबसूरत सा वेब पेज बन गया। अब ये हेडिंग सिर्फ उसने इंस्ट्रक्शन ही बताई हुई, वरना हम यहाँ पे हेडिंग को भी जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते। मैं चेंज करके बल्कि आप लोगों को दिखा देता हूँ, वहां पे भी हम एच वन जो है वो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एच वन यूज किया हेडिंग के लिए, और आगे जो है एच वन जो है हम इसको क्लोज कर देते हैं एक फ्लैश लगा के। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आके हमने इसको किया रिफ्रेश, तो अब देखें ये बिल्कुल सेम उसी वेब पेज की तरह बन गया जैसे हमें यहाँ पे दिखाया गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को HTML की समझ आ गई होगी, आपको ये असाइनमेंट जो हमारी आई हुई है CS101 की ये भी समझ आई होगी। ये जो आउटपुट हमें सर ने दिखाई है उसके मुताबिक मैंने लाइव आपको कोड करके दिखाया है। आप लोग नोटपैड ओपन कीजिए, अपना कोड कीजिए, यहाँ से देखते जाएं एक एक इंस्ट्रक्शन को और फॉलो करके आप वो कोड करते चले जाएं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई होगी। दोस्तों
ये थी हमारी असाइनमेंट CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की। आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन का, URL नीचे अवेलेबल है youtube.com/teachersonlineforyou। यहाँ पे आपको HTML के ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे को HTML सीखने में कोई मसला आ रहा है तो वो वहाँ पे जाके मेरे ट्यूटोरियल से HTML सीख सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के भी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो आप से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाले कोर्स का ट्यूटोरियल भी ले सकते हैं। तो वहां पे मैंने शॉर्ट करके रखे हुए हैं, लेकिन आपका जो VU का सिलेबस है वो उसके अंदर ऑलमोस्ट कवर होता है। उसके साथ आपको वहां पे ऑफिस 2019 के भी ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, क्योंकि आगे CS101 के अंदर जाके आपको ऑफिस भी सीखने को मिलेगा, जिसमें आपका वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट वगैरह है, तो उसके ट्यूटोरियल भी वहां पे अवेलेबल हैं। तो मेरी सारे दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप लोग URL ओपन कीजिए www.youtube.com/teachersonlineforyou और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज को देखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम मिलते हैं अगली किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नई असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ या नए GDB के सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।